शुभ दवस उपसीन अट अद वीडियो तुम मम विस्तर एंटीबायोटिक प्रतिजीवक औषध वर्गे पीलिबंद मेम एंटीबायोटिक्स भावताकराने बैक्टीरिया वर्गें अपे अगट सिधुन आसाधन बैक्टीरिया रोग विनाशकराने तमाय मे एंटीबायोटिक भावताकराने नमु अद सामान्य समाजे सुलभव अपट दाखनेट लबेनवा मे एंटीबायोटिक निकरुने भाविता करन एंटीबायोटिक हेतुवक नेतुव पाविच्चिकरण अवस्था अतितरम अपि दकतिबेनवा ए वगेम वैद्य निर्देशयकिन तोरव औषध सेल फार्मसी मे वगे तेंवलिन एंटीबायोटिक अरगेन पाविच्चिकरण रोगीन अप अतितरम दकतिबेनवा मे एंटीबायोटिक वल अवधान एंटीबायोटिक निसिलेस भाविता नोकिरीमे प्रतिविपाके तमाई मंग दैन ओबट कियला देन्ने मे एंटीबायोटिक एकक विशेषयेन लबा देन्ने बैक्टीरिया रोगयकट नमु ओबगे अंगट सैदेन रोग बैक्टीरिया रोग नोवेन्न पुलुवा ए वायरस रोगयक वेन्न पुलुवा दिलीर आसादनयक निसा ऐतिवन रोगयक वेन्न पुलुवा प्रोटोसोवा वन वर्ग निसा ऐतिवन रोगयक वेन्न पुलुवा मे आदि शुद्रजीवीन के नेतुव वेनत हेतु अपनी सहायती वन रोग या कोई नहीं इतिं एक निवर्द्धित तीरने कराने वाइद्योरे एक मागे रोगी आव निसिले से परीक्षा के लिए में नानुतरुव समाहर मेलावट ए रुद्र परीक्षण वेनत परीक्षण सिद्धु के लिए में नानुतरुव तमाय मे कुमनाकारे रोग या दक्षिणे का निश्चित वम निगमने कराए मेक बैक्टीरिया रोग तमाय මේකට ඇන්ටිබයොටික්ස් නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දෙන්නේ බැක්ටීරියා නොවන රෝගයකට ප්‍රතිජීවක ඇන්ටිබයොටික් ලබා දුන්නොත් ඔබගේ ඇඟේ සිටින බැක්ටීරියාවන් රෝගකාරක බැක්ටීරියාවන් හෝ රෝගකාරක නොවන බැක්ටීරියාවන් මේ ප්‍රතිජීවක වලට පුරුදු වෙනවා මේ ප්‍රතිජීවක වලට හුරු වෙනවා ඔබට अत्यवश्यम बैक्टीरिया रोगे सैदुन अवस्था मेम प्रतिजीवक मेम एंटीबायोटिक्स वेडकराने नति तत्व पात्र मुखद एंगेसिटिन बैक्टीरिया वन मेम एंटीबायोटिक्स वलट दीर्घकाल पुरावट नैवत नैवत पुरुद्वेला नैवत नैवत पुरुद्वी मगिन अनागते दी मे बैक्टीरिया वन सैदन रोग वलट लबादिने एंटीबायोटिक वलट ए रोग ए बैक्टीरियावान प्रतिरोधयक दक्वन ए प्रतिजीवक एंटीबायोटिक औषध वलिन ए बैक्टीरियावान विनाश करन्न नोहेकि तत्वयकट पत् वेनवा इतिं मेक ओबट पमणक् नेमेयि मुलु महत् समाजयट मेतिवन इता बरपतल गेटरुवा मे निसा ओबट यम् रोगयक वेलदुनु अवस्थावदि उन रोगयक वेलदुनु अवस्थावदि वैद्यवरयक् लवा परीक्षा करवागेन ඒ කුමන හේතුවක් නිසා ඇතිවෙච්ච රෝගයක්ද මුලින්ම සොයාගෙන පසුව අදාළ ප්‍රතිකාරය බැක්ටීරියා රෝගයක් නම් ඇන්ටිබයොටික් ලබා ගැනීම තමයි වඩා නිවැරදි වෙන්නේ. ඉතින් මේ තුලින් ඔබ ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න නැතයි කියලා මම සිතනවා ඇන්ටිබයොටික් නැත්නම් ප්‍රතිජීව පිළිබඳ මෙවැනි හරවත් වීඩියෝවක් තුලින් නැවත මම ඔබ හමු වෙනවා. ස්තුතියි.